अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में अपना कॉलम दारुल हुकूमत से पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है 50 करोड़ से कम। नैब ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट ने जो तरामीम की हैं उनको तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इन तरामीम के बाद नैब कानून बिल्कुल बेअसर होकर रह गया है। इन तरामीम में एक तरमीम ये भी शामिल है कि 50 करोड़ से कम होने वाली करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये तरमीम समझ से बालातर है। क्या 50 करोड़ से कम होने वाली करप्शन काबिल एहतसाब नहीं है? 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन की वारदातें तो आम सरकारी इदारों में होती रहती हैं और हर शोबे में होती हैं। बदउनवानी का ये हाल है कि लाखों और करोड़ों की करप्शन रोज़ाना हो रही होती है। बहुत बड़े बड़े मंसूबों की मालियत, जिनकी मालियत अरबों में होती है, उनमें अरबों रुपए की कमीशन खाई जाती है। वरना उमूमन करप्शन लाखों और करोड़ों में ही होती है। नैब कवानीन की इस तरमीम से अब तो आदि मुजरमों में वो जो ख़ास तौर पर सरकारी अहदेदार हैं या किसी सियासी अहदे पर हैं को खुली छुट्टी मिल गई है कि वो 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन करके नैब के दायरे अख्तियार से बाहर हो जाएं। अगर किसी ने अरबों रुपए की करप्शन की है तो वो 30 या 40 करोड़ रुपए तक की मंजूरी उसके दायरे में नहीं आएगी। अरबों रुपये हर शख्स जेब में डाल सकता है अगर वो किस्तों में करप्शन करे, यानी 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 45 करोड़ तक करप्शन करे तो वो उसकी जेब में जा सकती है, वो काबिल मुआखज़ा नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस पर कई तरह के इल्ज़ाम रहे हैं, ख़ास तौर पर नैब के तफ्तीश के तरीक़ाकार पर तो बहुत इतराज़ात किए जाते रहे हैं। खुद आला अदालतों ने नैब की तफ्तीश और उसके तरीक़ाकार पर नैब के चेयरमैन समेत तहकीकारों की सख्त सरजनिश की है। एक अमूमी तासर ये भी रहा है कि नैब भी लूट मार और कौमी ख़जाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में नाकाम रहा है। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि सरकारी मशीनरी में मौजूद बदउनवान एहलकार नैब से तावुन नहीं कर रहे, या फिर नैब के तफ्तीशकारों में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो कौमी ख़जाने को लूटने वालों को नंगा करके उनसे कौम की लूटी हुई दौलत वापस ले सके, या फिर खुद नैब के अंदर मौजूद काली बेड़ें भी इन लुटेरों के साथ मिल जाती थी। करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बुनियादी मसला है। कई सर्वे ऐसे हो चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में रोज़ाना अरबों रुपए कौमी ख़जाने से लूट लिए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और कई अहम बैनुल अक्वामी इदारों ने पाकिस्तान में फैलती करप्शन पर तश्वीश का इज़हार किया है। दुनिया के हर मुल्क में करप्शन को रोकने के लिए एहतसाब का मौसर कानून मौजूद है। किसी मुल्क ने भी बदउनवानी की खुली छुट्टी नहीं दे रखी। कई मुल्कों के वज़राए आज़म, सदूर और वज़रा बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल भेजे जा चुके हैं। पाकिस्तान में एहतसाब को मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क का लूटा हुआ पैसा रिकवर हो सके और मुल्की ख़जाने पर डाका डालने वालों को सजा दी जा सके। लुटेरों और मुजरमों से रियायत बरतने का कतई कोई जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया।